अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शामीर अब्बास है और मेरा रोल नंबर 22 है। क्वेश्चन हमें गिवन है कि हम लोगों ने एक प्लॉट करना है एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम। सैम्पलिंग रेट हमें गिवन है 48 के और सिग्नल भी हमें गिवन है। तो सॉल्यूशन इसका ये है कि हमें सैम्पलिंग रेट हमें 48 के क्वेश्चन में गिवन है, तो प्रोसीजर करेंगे FFT एनालिसिस का हमने निकालना है। तो FFT बेसिकली होता है फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि DFT यानी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, और ये डेटा सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज़ होता है मॉडिफाई करने के लिए ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स को। तो हमारे पास सिग्नल गिवन है XFN जो क्या 1 -2 1 4 0 -3 3 और 1। तो हम लोग ये डायग्राम बनाइए हमने, जिसमें दो सिग्नल्स हैं, पहले E of 0, E of 1, E of 2 और E of 3 है, ये इवन के लिए है, और जो नीचे है ओ है, ये ऑड के शो कर है। इसमें हमारे पास सिग्नल्स है X of 0, X of 1, X of 2, X of 3 है, और नीचे भी केस में X of 1, X of 3, X of 5 और X of 7 है। तो हम लोगों ने इनको ज्वाइन किया आपस में, मतलब पहले सिग्नल को इवन के ऑड के पहले सिग्नल के साथ ज्वाइन किया, इस तरह दूसरे को ऑड के दूसरे के साथ, और तीसरे को ऑड के तीसरे के साथ, चौथे को ऑड के चौथे के साथ। ये इस प्रोसीजर से हम FFT को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सिग्नल के लिए। नीचे हम लोग ने सिग्नल बनाया है जिसमें फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 0.0 से लेके 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो हम लोग ने सिग्नल बनाया है 0.1 पे, 0.2 पे। ये ऊपर वाली डायग्राम से कंक्लूड करके ये सिग्नल ड्राइव किया गया। उसके बाद ये है कि जो हम लोगों ने फिगर ड्राइव किए से हम FFT शो हो रही है, तो जो माइनस टर्म है इसको हम पॉजिटिव टर्म कैसे बना सकते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला होता है THD। THD और टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होता है कि किसी भी सिग्नल में ना हार्मोनिक की वजह से जो वोल्टेज या करंट में जो डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है उसे THD यानी टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो ये जो जी है इसको हम लोग जी का स्केयर लिखते हैं, ताकि जो माइनस का साइन है ना वो स्केयर लेने के बाद ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाए। तो मतलब हम लोग टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का फार्मूला हमारे पास √1/g का स्केयर -1। तो जी यहाँ पे होती है VR/V, एंड सो इस इक्वेशन में TFD में हम लोग जी का स्केयर इसी वजह से लेते हैं, ताकि जो वैल्यूज़ माइनस में है वो हम प्लस में कर सकें, मतलब पॉजिटिव साइन आ जाए। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये एक ही है क्वेश्चन के, अगर हम हायर फ्रीक्वेंसीज का एलिमिनेट कर दें किसी भी सिग्नल में तो उसका क्या इफेक्ट होता है। बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि बैंड विड्थ सिग्नल में हाई होगी, और जो हम लोगों ने डाटा की इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों ने रिसीवर एंड तक पहुंचानी है उसके लिए हम इजीली उसको पहुंचा सकते हैं। तो अगर हम लोग हाई फ्रीक्वेंसीज को एलिमिनेट करते हैं तो जो हार्मोनिक्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाते हैं। हार्मोनिक्स बेसिकली क्या होता है, हार्मोनिक्स का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट टाइप्स की होंगी, मल्टीपल होंगी। तो अगर हम हार्मोनिक्स नंबर ऑफ हार्मोनिक्स इंक्रीज कर देते हैं, मतलब हार्मोनिक्स बेसिकली होता है जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा होता है, वो सिग्नल होता है एक हाफ वेव और एक फुल वेव के, फुल वेव में पॉजिटिव नेगेटिव एंड दोनों होते हैं, और हाफ साइकिल में सिर्फ एक एंड होता है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। तो अगर हम हार्मोनिक्स बढ़ा देंगे तो मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाएंगे। तो अगर जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज होंगी तो THD यानी टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से इनका डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब हम लोग हायर फ्रीक्वेंसीज को एलिमिनेट करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे तो हार्मोनिक ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा, और इसी केस में टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग हाई फ्रीक्वेंसीज को एलिमिनेट करते हैं, और इस सब कंक्लूजन से हम लोग इस नतीजे तक पहुँचे कि FFT को अबव मेंशन तरीके से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं।